दोस्तों बेहद फेमस और इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मोदी परिवार के सदस्यों की नींद किस लेवल तक खराब कर रखी थी, ये समझने के लिए आपको मोदी परिवार के एक सदस्य का ये एक ट्वीट देखना ही काफी होगा। मोदी परिवार के सदस्य केतन पटेल, जिसकी आईडी है @केतन_पटेल_, आईडी में लिखा हुआ है मोदी का परिवार, और मोदी परिवार का ये सदस्य केतन पटेल कितने भद्दे कमेंट कर रहा है ध्रुव राठी की पत्नी के लिए। देखिए, लिखता है, अगर जर्मनी में बैठी ध्रुव राठी की बीवी भारत में बैठे किसी आदमी से गर्भवती हो सकती है तो फिर ईवीएम भी हैक हो सकती है। ध्रुव राठी से मोदी के परिवार की सदस्यों की ये जलस, ये नफरत, ये खुन्नस दिखाता है कि मोदी परिवार को कितने अंदर तक ध्रुव राठी ने बरनोल घुसेड़ रखी है। खैर, ऐसे बेहद कुतर्क और अपनी खुन्नस निकालने वाले फिजूल के कमेंट्स को अगर आप छोड़ दें तो मोदी के परिवार भाजपा के ही प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जो कि पहले ध्रुव राठी को बेहद क्रांतिकारी यूट्यूबर मानते थे, एक सफल पत्रकार मानते थे, ये मानते थे कि वो भगत सिंह की ही तरह देश की अच्छाई के लिए निष्पक्ष रूप से यूट्यूब पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शहजाद पूनावाला अब ध्रुव राठी को प्रोपेगेंडिस्ट, कांग्रेस का कार्यकर्ता, विपक्ष का दलाल, तरह तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं। आप जैसे एक युवा YouTube के माध्यम से और सिर्फ एक फोन और आईपैड और इजीली एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो काम करते हैं जो देश की मुख्य समाचार चैनल को करना चाहिए, वो है कि बिना ओपिनियन फैक्ट्स को लाने का काम। एंड आई थिंक दैट दिस शुड बी द न्यू इंडिया दैट वी शुड वर्क टूवर्ड्स, बहुत बहुत एंड यू पीपल धन्यवाद। लाइक यू आर मेकिंग दिस न्यू इंडिया। थैंक यू। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे शहजाद पूनावाला ध्रुव राठी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन अब एक मामले को लेकर उन्होंने ध्रुव राठी की खिंचाई की है, ठीक इसी मोदी परिवार के सदस्य के तर्कों के आधार पर जिसने अभी अभी ध्रुव राठी की पत्नी को भर भर कर गालियां दी हैं। ध्रुव राठी, हो सकता है कि आपके ज्यादातर सब्सक्राइबर ये समझते हो कि दुनिया चपटी है, धरती चपटी है, इसलिए आप कुछ भी कहकर निकलने की क्षमता आप में हो सकती है। आपको हम लोग कलेक्ट करके 20 लाख रुपए देंगे। आप इस टेक्नोलॉजी पर एक वीडियो जरूर बनाइए कि कैसे फोन से ईवीएम अनलॉक होता है। तो आप एक ईमानदारी वाला वीडियो कम से कम पहली बार यूट्यूब पर बनाएं कि मैं झूठ और प्रोपेगेंडा बेचता हूं। भाई मारो, मुझे मारो, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब देखना ये होगा कि ध्रुव राठी शहजाद पूनावाला की ये शर्त स्वीकारते हैं या फिर इन्हें भी मोदी परिवार की बकैती करने वाले सदस्यों की तरह इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये ईवीएम का विवाद शुरू हुआ है एलन मस्क के एक ट्वीट से, जिसमें एलन मस्क ने साफ शब्दों में कहा है कि ईवीएम देश के चुनावों में निष्पक्षता को चोट पहुंचा रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। जिसके बाद महाराष्ट्र का एक मामला सामने आया, जिसमें भारत के महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए के प्रत्याशी वायकर को सिर्फ 48 वोटों से जीत मिली है, और उन पर ये आरोप लगा है कि उनके एक रिश्तेदार का फोन ईवीएम मशीन से कनेक्ट था, जो ओटीपी के द्वारा ईवीएम को ऑन करता था। ये खबर एक स्थानीय अखबार के माध्यम से सामने आई थी, जिस अखबार को कोट करते हुए ध्रुव राठी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट का मामला है, इंडिया अलायंस सिर्फ 48 वोटों से हारा है, और एनडीए का कैंडिडेट जिसके रिलेटिव का फोन ईवीएम से कनेक्ट था वो 48 वोटों से जीत गया है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर फिर से चुनाव करने की सूचना जारी करनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ मोदी परिवार के तमाम लोग ध्रुव राठी और उनके परिवार के लोगों को गालियां भी दे रहे हैं और चैलेंज दे रहे हैं कि 20 लाख रुपए वो चंदा इकट्ठा करके दे देंगे अगर ध्रुव राठी अपने इस झूठ को मान लेंगे कि कोई भी ईवीएम ओटीपी से अनलॉक नहीं होती है। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि ध्रुव राठी ने अपनी तरफ से कोई ये दावा नहीं किया कि ईवीएम ओटीपी से अनलॉक होती है। एक अखबार में छपी खबर को उन्होंने आगे फॉरवर्ड करते हुए कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। और दूसरी बात, अगले एक ट्वीट में उन्होंने करेक्शन भी किया है। उन्होंने कहा है, ये ईवीएम के बारे में नहीं था बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में था। हेडलाइन ऑफ द आर्टिकल इज मिसलीडिंग, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा हुआ है कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन का मोबाइल फोन ईवीएम मशीन से कनेक्ट था तो वहां पर इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। दोस्तों, ध्रुव राठी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्पक्ष होते हुए, किसी का पक्ष लिए बिना उन्होंने लगातार जनता के मुद्दों को लोगों के सामने रखा, बकैती करने वाले नेताओं की जमकर सुनवाई की। लेकिन मोदी परिवार में इस बात को लेकर ध्रुव राठी के खिलाफ खुन्नस भरी पड़ी है। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी अगर इंडिया में रहने लगे तो मोदी परिवार इन्हें जेल भिजवाने में एक दिन का भी समय नहीं लगाएगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में
गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।